मैं विनोद चौधरी एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 11 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 11 के अंदर जो जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन थ्योरम है, प्रमेय है, वो अपन करेंगे। तो उनके अंदर मेन प्रमेय में तीन चार प्रमेय है, एक तो एरिया वाली प्रमेय है, एक जो बीपीटी थ्योरम है, और एक उसके अंदर जो समरूप अपने समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम है। तो तीन चार प्रमेय है इसके अंदर जो मेन मेन है। तो प्रश्नावली का नाम है समरूपता, सिमिलरिटी। तो समरूप आकृतियाँ क्या होती है? जो चीज़ें दिखने में एक जैसी लगे लेकिन उनकी माप है वो अलग अलग हो, तो वो दोनों क्या होती है? समरूप आकृतियाँ होती है। जैसे आपने दो त्रिभुज बनाए तो दोनों त्रिभुजों की माप तो अलग अलग है लेकिन वो दिखने में एक जैसे हैं। जैसे दोनों ही आपने समबाहु त्रिभुज बनाए हैं, एक दो सेमी भुजा का बनाया है, एक आपने पाँच सेमी भुजा का बनाया है, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कवर नहीं करे, एक दूसरे के ऊपर रखने पर उसको पूरा कवर नहीं करे लेकिन वो दूर से एक जैसे लगे, तो वो आकृतियाँ क्या होती है? समरूप आकृतियाँ होती है। तो यहाँ इस प्रश्नावली के अंदर अपन समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। तो समरूप आकृतियों में अपन ने जो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि समरूप आकृतियाँ हैं, जैसे दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर अपन त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे। तो दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होंगे और उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर रहेगा, उनकी भुजाएं बराबर नहीं होगी। जबकि सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है कि उस त्रिभुज दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर होती है और उनके जो तीनों कोण है वो भी बराबर होते हैं। तो समरूप और सर्वांगसम दोनों में ये एक दोनों में कॉमन है कि दोनों समरूप है या सर्वांगसम है, दोनों के कोण आपस में बराबर होंगे। लेकिन समरूप त्रिभुज होंगे, जो सिमिलर ट्राइंगल होंगे, उनकी जो साइड है वो इक्वल रेशियो में रहेगी। लेकिन सर्वांगसम जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उनकी जो साइड आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पर अपन प्रश्नावली 11 के अंदर पहली जो प्रमेय है मोस्ट के अंदर बीपीटी प्रमेय, ये 6 नंबर में पूछी जा सकती है, बहुत ही मोस्ट प्रमेय है ये इस प्रश्नावली की। तो इसमें पहली प्रमेय जो बीपीटी या इसका दूसरा नाम थेल्स प्रमेय या इसको आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो इस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खिंच की रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी यह त्रिभुज अपन ने एबीसी लिया है, तो इस त्रिभुज में आपने अगर कोई एक लाइन खींची है जो कि त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर हो, तो मैंने यहाँ पे डी ई लाइन जो खींची है वो बी सी के समांतर लिया है। आप ये इधर से ये समांतर खींच सकते हो, ए सी के अगर इस साइड से खींचो तो ये लाइन समांतर है ए बी के खींच सकते हो। तो क्वेश्चन के अंदर तीनों ही कंडीशन में समांतर मिलेगी, वो ए बी के भी मिलेगी आपको, बी सी के भी मिलेगी और ए सी के भी मिलेगी। तो यहाँ पर अपन ने डी ई समांतर लिया है बी सी के, उसके बाद ये कह रहा है तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है इन दोनों लाइनों को। तो ये बी सी के तो समांतर खींची गई है लेकिन ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उनको समान अनुपात में बांटते हैं। यानी ये जो अनुपात है ए डी बटा में डी बी का और इधर ए ई बटा में ई सी का, ये अनुपात क्या है? बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। तो प्रमेय के अंदर अपने लिखते हैं दिया हुआ क्या है, सिद्ध करना क्या है, उसमें जो रचना की है वो रचना क्या की, उसके बाद उपपत्ति में उसको अपन प्रूफ में अपन सिद्ध करके बताते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या था कि त्रिभुज एबीसी में जो डी ई समांतर अपन ने बीसी के खींची है जो कि ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये यहाँ पर उसने कहा कि एक भुजा, तो वो भुजा अपन ने कौन सी ली है? डी ई ली है। किसके समांतर खींची है? बीसी के समांतर खींची है। और किन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? ए बी व ए सी को डी व ए बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये इतना दिया हुआ था। उसके बाद सिद्ध करना, तो सिद्ध करने में उसने कहा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो अनुपात कौन सा है? ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए बटा इस, ये अनुपात आपको बराबर सिद्ध करना है। तो ये दिया हुआ सिद्ध करना और आपने जो डायग्राम बनाया है अगर इतना प्रमेय में अगर कर देते हो तो आपको वहां पे 3/4 नंबर मिल जाते हैं। अब आगे सिद्ध करना के बाद में उस अगर डायग्राम से डायरेक्ट वो सॉल्यूशन हो रहा है तो आप उसे डायरेक्ट करो, लेकिन प्रमेय वाले क्वेश्चनों में आपको 100% रचना करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे अपन त्रिभुज एबीसी के अंदर जो डी ई बी सी का समांतर खींची है, तो इस डायग्राम से ये डायरेक्ट अनुपात है वो सिद्ध नहीं होता। तो इसमें अपने रचना क्या करेंगे कि बी को ई से मिलाना है आपको, इस बी को ई से मिलाना है और डी को सी से मिलाना है। तो ये जो रचना वाली लाइन है वो आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद इसमें रचना करनी है कि डी बिंदु से ए सी पर आपको लंब खींचना है, तो डी बिंदु से ए सी के ऊपर लंब खींचना है और
ई बिंदु से ए बी भुजा पे लंब खींचना है। तो ई बिंदु से आपको ए बी भुजा पर लंब खींचना है। तो इन लंब का नाम जैसे ए बी पर जो खींचा है वो हो गया ये डीपी है, इधर ये लंब है इस पे, और इधर हो गया इस पे ई क्यू, लंब खींच दिया अपन ने। तो ये रचना का स्टेप है कि त्रिभुज एबीसी के अंदर एक तो बी को ई से मिलाया है, सी को डी से मिलाया है, और डीपी लंब ए बी ए सी पर है, और ई क्यू लंब है वो ए बी पर है। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, पी क्यू आर एस। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने ये रचना कर ली है। अब ये रचना जो की है वो अपन रचना वाले स्टेप में लिखेंगे। तो मैं रचना का स्टेप यहां आगे लिख देता हूं। तो ये रचना की है अपन ने, रचना की है कि बी ई व सी डी को मिलाया, बी ई व सी डी को मिलाया, तथा डी पी लंब, ये जो डी पी लंब है वो किस पे खींचा है, ए सी, और ई क्यू लंब ये परपेंडिकुलर है वो किस पे खींचा है, ए बी पर खींचे, ये अपन ने इन पे लंब खींचे। तो ये किया अपन ने इसमें रचना। अब इसके बाद में यहां पे जो एक तो त्रिभुज बना हुआ है ये बी डी ई, और दूसरा बना हुआ है सी ई डी, जो ये नीचे दोनों त्रिभुज बने हुए वो है द्विकोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और ए डी ई जो त्रिभुज बना हुआ है वो है न्यूनकोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो अधिकोण त्रिभुज के अंदर जो लंब होता है वो उसकी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर डाला जाता है। जैसे ये अधिकोण त्रिभुज है, तो इस अधिकोण त्रिभुज के अंदर आप लंब खींचोगे तो इस भुजा को आगे बढ़ाने पर ये इसके अंदर आप लंब खींचोगे। तो यहां पर इस अधिकोण त्रिभुज का अगर नाम ए बी सी है और ये लंब आपने ए डी इस पे खींचा है, तो ये लंब आपने बी सी भुजा पे खींचा है, तो यहां पर आप इसको लिखते हो कि ए डी लंब है बी सी के ऊपर। और अगर आप आधार लेते हो, अगर क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हो, तो आधार इसमें आपको ये बी सी है इसका, और ये लंब कौन सा इसमें ए डी है। तो ये अधिकोण त्रिभुज में आधार और लंब लिए जाते हैं। तो यहां पर एक तो अधिकोण त्रिभुज है ये दोनों साइड, और ये है न्यूनकोण त्रिभुज। तो दो ये जो अधिकोण त्रिभुज और एक ऊपर वाला जो ए डी ई त्रिभुज है, इन दोनों का जो आधार, इसका आधार तो ए डी लेते हैं, और जब आप इस अधिकोण त्रिभुज का आधार बी डी लेते हैं, तो दोनों में कॉमन लंब उभयनिष्ठ लंब कौन सा है, ई क्यू होगा। अगर आप ए डी ई और सी ई डी ये दोनों त्रिभुजों का जो आधार इसका ए ई लेते हो और इसका ई सी लेते हो, तो इन दोनों के लिए कॉमन जो इसमें लंब है वो कौन सा है, डी पी है। तो अपने जो दो बार इनमें एरिया की जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे कि एक बटा दो इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो एक बार तो लंब ए डी लेंगे और एक बार लंब है वो इसमें ए ई लेंगे ऊपर वाले त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में डी पी लंब लेंगे और इसमें ई सी लंब लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र एक बटा दो इंटू आधार इंटू ऊंचाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला लगाएंगे। तो यहां पर अपन उत्पत्ति के अंदर, इसके जो प्रूफ के अंदर, उत्पत्ति में अपन सबसे पहले जो एरिया ए डी ई का अनुपात और इस साइड जो बना हुआ है बी डी ई, इन दोनों के जो क्षेत्रफल का अनुपात लिखते हैं। तो आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, या शॉर्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल इंग्लिश के अंदर, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज। देखो ये ए डी त्रिभुज लिया है, तो इस बार अपन ये जो लेफ्ट साइड के अंदर जो त्रिभुज बना हुआ है बी डी ई ये लेते हैं, जब दोनों का कॉमन जो उभयनिष्ठ लंब कौन सा है, ई क्यू है। तो बट्टा में त्रिभुज कौन सा है, बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो अंश वाले जो त्रिभुज में है वो ए डी ई है, तो ए डी ई का जो आधार इस साइड वाला ले रहे हैं ए डी, और लंब कौन सा ले रहे हैं, ई क्यू। तो 1/2 इंटू आधार तो कौन सा है, ए डी है, और लंब कौन सा है, ई क्यू है। और बी डी ई, बी डी ई का आधार कौन सा है, डी पी आधार है, और इस भुजा को आगे बढ़ाने पर इसमें लंब कौन सा खींचा गया है, ई क्यू खींचा गया है। तो इसमें 1/2 इंटू आधार तो इसका कौन सा होगा, डी पी होगा, डी बी इंटू में लंब कौन सा होगा, ई क्यू होगा। तो ये आधार और लंब से दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल दिया। अब यहाँ पे जो कैंसिल होंगे
वो कैंसिल हो गए, EQ से EQ कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो आपके पास जो बचा है वो है AD/DB। तो ये AD/DB जैसे अपने को सिद्ध करना मिलाना है, तो ये समीकरण नंबर हो गई एक। अब अपन त्रिभुज लेते हैं दूसरा, राइट साइड के अंदर जो बने हुए हैं ये वाला त्रिभुज और एक ए लेते हैं ADE अगेन। तो अब की बार AD के अंदर आधार कौन सा लेंगे, AE लेंगे बेस, और लंब कौन सा इसमें DP है। तो अगेन त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज। अब की बार जो उस साइड बना हुआ है ये त्रिभुज, इसका नाम क्या है CED का क्षेत्रफल, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। तो इसमें सेम वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू इस AD का अब की बार आधार लेते हैं इस साइड में जो AE है, AE और लंब कौन सा है DP, और जो नीचे वाला त्रिभुज है CED इसका आधार कौन सा है EC है, 1/2 इंटू आधार EC और ऊंचाई कौन सी इसकी DP है। तो यहां पे अगेन अपने पास जो कैंसिल हो रहा है वो 1/2 से 1/2, डीपी से डीपी कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिजल्ट बचा है AE/EC। ये समीकरण नंबर हो गई दो। अब आपको ये दोनों बराबर करनी है, ये दोनों बराबर कब होगी, ये दोनों ही राइट साइड में, अगर इनकी लेफ्ट साइड दोनों बराबर हो जाए तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएगी। तो इनकी राइट साइड बराबर करने के लिए लेफ्ट साइड कैसे बराबर करेंगे, देखिए इनके अंश में तो दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, तो अगर एक ही त्रिभुज है दोनों तो उनका क्षेत्रफल तो बराबर होगा। अब हर में जो त्रिभुज है एक तो BDE है और एक है CED, एक तो ये BED है और एक है ये CED, तो ये दोनों क्षेत्रफल में कैसे बराबर है, देखिए ये दोनों त्रिभुज है ना एक ही आधार किस पे बने हुए हैं, इस DE आधार पे बने हुए हैं, और दोनों ही उभयनिष्ठ दोनों के अंदर जो दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं वो है DE और BC के बीच बने हुए हैं। तो 9th क्लास में प्रमेय होती थी कि अगर दो त्रिभुज है एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हो तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो उस प्रमेय का यूज करते हुए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ये जो हर केंद्र लिखे गए हैं दोनों BDE का क्षेत्रफल बट वह त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड क्या लिखेंगे कि त्रिभुज BDE वह त्रिभुज CED एक ही आधार कौन सा आधार पे बने हुए हैं, एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं कौन कौन सी समांतर रेखाओं के बीच है, DE समांतर BC के मध्य बने हुए हैं, BC के मध्य बने हैं, तो इनके क्षेत्रफल आप बराबर लिख दो, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। तो ये समीकरण नंबर हो गई तीन। अब समीकरण नंबर एक दो व तीन से क्या रिजल्ट है कि देखिए इनके अंश तो बराबर थे, अब हर वाले अपन ने बराबर कर दिए, तो समीकरण एक दो व तीन से क्या होगा कि ये दोनों इनकी लेफ्ट साइड है वो बराबर हो गई है। तो समीकरण एक दो व तीन से क्या होगा कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। तो ये इनकी लेफ्ट साइड बराबर हो गई है। अब इनके जो लेफ्ट साइड में थी इन दोनों का क्या मान है, इसका तो है AD/DB और इसका क्या है AE/EC, तो ये भी बराबर होंगे, तो AD/DB बराबर होगा AE/EC। तो ये थी थेल्स प्रमेय जो कि 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे एक चीज जरूर लिख दीजिए कि उपपत्ति के अंदर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया वो आप साइड में लिख दीजिए या ऊपर लिख दीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब इस BPT प्रमेय के अंदर जो थेल्स प्रमेय थेल्स जो थ्योरम है उसका जो रिजल्ट है ये तो हो गया मेन रिजल्ट, इसके बाद जो दो रिजल्ट है वो अपन युगांतरानुपात प्रमेय से कैसे निकालते हैं कि इसका जो ये रिजल्ट है AT/DB और AE/EC, तो इसके अंदर जैसे अपन ने जो माध्यिका वाली प्रमेय थी उसमें जो एक रिजल्ट 2:1 था, उसके बाद अपन ने 2/3 वाला भी बनाया था और एक 1/3 वाला भी बनाया था। अब यहाँ पे
जो दूसरा रिजल्ट है वो क्या बनेगा कि ए डी बट्टा ए बी का अगर आप अनुपात निकालते हो, ए डी बट्टा ए बी का अनुपात निकालते हो तो वो ए डी का इधर रेशियो तो किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल होगा, और ए बी जो ये पूरी साइड है उसका रेशियो इस पूरी साइड ए सी के इक्वल होगा। तो एक तो ये रिजल्ट, दूसरा अगर आप डी बी का रेशियो ए बी के साथ निकालते हो, डी बी का रेशियो ए बी के साथ निकालते हो और इधर ई सी का रेशियो, ई सी का जो रेशियो है वो ए सी के साथ निकालते हो या इनको आप व्युत्क्रम कर देते हो तो ये रिजल्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर योगांतरानुपात प्रमेय से दो रिजल्ट और बनते हैं। तो प्रश्नावली के अंदर ये ज़्यादा मोस्टली यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो थेल्स थ्योरम है तो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि थेल्स थ्योरम में आपको कब लगानी है, जब एक लाइन जो त्रिभुज के अंदर खींची गई है वो किसी अन्य भुजा त्रिभुज के समांतर दी गई है तभी आप थेल्स थ्योरम अप्लाई करोगे। अदरवाइज अगर आपको समांतर सिद्ध करनी है तो थेल्स जो प्रमेय है उसका विलोम लगाओगे, उसमें आपको अगर ये अनुपात बराबर है, ये तीनों रिजल्ट में से अगर कोई भी रिजल्ट मिल रहा है तो वो लाइन उसके समांतर होगी। ओरिजिन क्या होगा, कन्वर्ज थेल्स थ्योरम या कन्वर्ज बीपीटी, हिंदी में आप आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम लिख सकते हो। तो ये थी थेल्स थ्योरम जो कि 6 नंबर के लिए इस साल के लिए मोस्ट है।